या कपड़े होते हैं उनकी खरीद करी जाती है, और ऐसे में उनके साथ कई ऐसे जो असामाजिक तत्व होते हैं वह छेड़खानी करने का प्रयास करते हैं, ऐसा ही मामला ये भी नजर आ रहा है। और इसमें जो है राज्य सरकार ने उनको गिरफ्तार किया है जिन्होंने इस प्रकार का कार्य किया, परंतु इसका जो एक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने का जो प्रयास किया जा रहा है यह अपने आप में एक बहुत अच्छा संदेश नहीं दे रहा। और गीता भट्ट जी, इस पूरे मामले में दो पक्ष हैं। एक पक्ष जो चूड़ी बेचने वाला पीड़ित है, उसका ये कहना है कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो पूरी तरह से गलत हैं, जबकि राज्य सरकार का दूसरा पक्ष ये कहता है कि उसने छेड़खाने की थी कथित तौर पर, इस वजह से वहां पर उसकी पिटाई शुरू हो गई। अब सवाल यह है कि भरोसा किस पर किया जाए और सच्चाई पूरे मामले की क्या है, लेकिन भीड़ एक व्यक्ति पर इस तरह से नहीं टूट सकती है कि उसको इतना मारा जाए। आपकी बात चित्रा जी बिल्कुल, किसी को भी कानून व्यवस्था अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है, लेकिन हमने देखा है दुर्भाग्यवश पालघर के साधुओं को किस प्रकार से कितनी भीड़ ने पत्थरों से जान ले ली उनको। फिर आप कहां पालघर जा रही है मैम, वो मामला कितना अलग था, ये मामला कितना अलग है, दोनों मामलों को गीता भट्ट जी आप कैसे जोड़ सकती हैं? ठीक है अभय दुबे जी, ठीक है मैम, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे आपको उदाहरण मिलेंगे जो, तो हमें उदाहरण सेट नहीं करना है ना, हमें कार्रवाई करनी है इस देश को, उदाहरण सेट नहीं करना है कि अगर एक व्यक्ति की भीड़ पिटाई कर रही है तो फिर वहां पर भीड़ का बचाव करते हुए हम कुतर्क करने लगे। ठीक है मैडम, अभय दुबे जी एक आपकी टिप्पणी, उसके बाद में मौलाना मोहम्मद साहब आपके पास आऊंगी। देखिए छेड़खानी की शिकायत अगर आती है तो सबके खिलाफ एक जैसी कार्रवाई होनी चाहिए, उसमें धर्म तो आधार ही नहीं है बिल्कुल, लेकिन किसी का नाम पूछकर पहचान पूछकर नहीं मैम। इस पूरे मामले में कहा जा रहा है कि अपना नाम क्यों छुपाया, उसने अपनी पहचान क्यों छुपाई, और अगर उसने ऐसा किया तो फिर उसको पीट दिया गया। इस पूरे मामले में तो अलग ही मामला है ना अभय दुबे जी। ठीक है गीता भट्ट जी, चित्रा जी देखिए कैसी विडंबना है। मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी छोटे गरीब लोगों के रोजगार के अवसर भी छीन लेना चाहती। वो एक भाई जो रक्षाबंधन के पर्व पर अपनी बहनों को संबोधित करते हुए चूड़ियां बेच रहा था, उसको संगठित होकर भीड़ मारती है, भारतीय जनता पार्टी प्रायोजित भीड़। और भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि अगर किसी के पास दो आधार कार्ड है तो ये भीड़ को मैं कहता हूं कि वो मार मार कर अधमरा कर दे नागरिकों को। शर्म नहीं आई जरा सी भी? अरे सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में निर्देश जारी किए, मुझे बताइए, चुनौती देता हूं, मध्य प्रदेश में कोई एक नोडल ऑफिसर आपने अपॉइंट किया, उन्होंने कहा था कि वो प्रदेश जहां पर मॉब लिंचिंग हो या नहीं हो, प्रत्येक बीजेपी प्रायोजित भीड़ थी, आपको कैसे पता? बीजेपी के लोगों ने भेजा था उनको गुंडागर्दी करने के लिए। अगर प्रदेश का गृह मंत्री खुले रूप से उसकी निंदा करने की अपेक्षा आरोपियों के संरक्षण में आकर खड़ा हो जाए और ये कहे कि किसी के पास उसकी पहचान अगर नहीं है तो उसे मारने का अधिकार, ये कह रहे थे विश्वास सारंग जी, मेरे बड़े अच्छे मित्र है, वो कह रहे थे शांति का टापू, अरे 90,000 बच्चियों के साथ आपकी सत्ता की सरपरस्ती में मोलेस्टेशन की घटना हुई, 50,000 बच्चियों के साथ बलात्कार हुआ, आपके सत्ता में आने के बाद 750% एबडक्शन के केस बढ़ गए, आपके सत्ता में आने के बाद लड़कियों के साथ, ये जो मुद्दा है वो बेहद संवेदनशील है अभय दुबे जी, और किसी एक राज्य का ये विषय नहीं है। अगर आप बीजेपी शासित राज्यों के उदाहरण गिना रहे हैं तो बच्चियों के साथ रेप के और छेड़खानी के मामले कांग्रेस शासित राज्यों में भी बहुत हैं, लेकिन आज मुद्दा अलग है। भीड़ आखिर एक शख्स को इतनी बेरहमी से पीटती है और उस शख्स पर ही कार्रवाई हो जाती है, उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया जाता है, आखिर किस तरह के समाज का निर्माण हम करना चाहते हैं? बहुत सारे ऐसे सवाल इस वक्त खड़े हो रहे हैं, यही से चर्चा में आगे बढ़ेंगे। चूड़ी वाले धर्म तो बताए, इस मुद्दे को लेकर चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मध्य प्रदेश से एक ऐसा मामला सामने आया है जहां पर चूड़ी वाले से उसका धर्म पूछा गया और फिर एक खास वर्ग का पता चलने पर भीड़ ने कथित तौर पर उसकी पिटाई कर दी, जिस तरह का वीडियो वायरल है। सरकार का पक्ष यह है कि दरअसल उसने छेड़खानी की थी, इस वजह से उसको मारा पीटा गया, और पूरे मामले में कांग्रेस पार्टी सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रही है। अब इसी चर्चा को आगे ले जाते हुए एक बार फिर से सारंग जी आपके पास आते हुए, फिर सुफियाना निजामी आपके पास आऊंगी मैं। सारंग साहब, अगर ये मामला छेड़खानी का भी है, जो बातें आप कह रहे हैं उसको स्वीकार करते हुए, मामला फिर भी गंभीर है कि भीड़ एक युवक की पिटाई कैसे कर सकती है, वहां पर पुलिस प्रशासन आखिर फिर इनका क्या काम हो गया? अगर भीड़ ही सड़क पर इस तरह से कथित तौर से इंसाफ करने लगेगी तो पीट पीट कर मार डालने की ये कौन सी प्रवृत्ति जन्म ले रही है? उसकी हालत देखी है वीडियो में, उस लड़के की क्या हालत हो गई है? चित्रा जी, आप, मैं बोलूं चित्रा जी? जी बिल्कुल। देखिए, पहले तो मुझे इस बात पे आपत्ति है कि आपने ये बोला
कि जिस लड़के की पिटाई हुई है उसके खिलाफ प्रकरण दर्ज कर दिया गया और जिन्होंने पिटाई की है उनके खिलाफ दर्ज नहीं हुआ, ये सर्वथा गलत दोनों के खिलाफ दर्ज हुआ मैंने है। जैसा हमने आपको बताया कि यही बताया है सर, जैसे दोनों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ नहीं अभी नहीं मैं आपने अभी हाल ये बात बोली थी, पर मैं फिर बताना चाहता हूं कि पहली बात अभी जो लड़का है उसके खिलाफ कोई प्रकरण दर्ज नहीं हुआ है, परंतु दो आधार कार्ड रखने के मामले में उस पर प्रकरण जरूर दर्ज होना चाहिए और होगा भी। पर मैं आपसे निवेदन कर